ये हो गया था। मैं फर्स्ट यूज कार्ड में बोला आपने कि वो प्रेसिपिटेशन टेस्ट कंप्लीट, ये पोर्शन भी कंप्लीट था। वासिम तो आइस मेथड हमें एक्सप्लेन किया था। रिमूवल ऑफ डिपॉजिटेड इन डाइजेशन मेथड में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट जो आपने प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया है अगेन डिजॉल्व टू मदर लिकर, प्रेसिपिटेट को जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है मदर लिकर में ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए एंड डिटेल एड एट लिमिटेड टेंपरेचर, उस टेंपरेचर तक आप उसे हीट करेंगे। जब आप उसको हीट करेंगे आपको सन टाइम क्या होगा जो स्मॉलर पार्ट है स्मॉलर पार्ट एंड लार्जर टर्म लार्जर अंदर गूगल के ऊपर आ जाए जिस पासे भी चार रहे तो वो सवाल रहते हैं, जिस पासे भी चार रहे वो सवाल रहते हैं। एंड द टू एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, वन इज द फ्यूचर टाइप इसमें मेथड, वन इज द अपलोडेड रिपोर्टी, तो इसके एडवांटेजेस है एक क्रिस्टल की साइज इंक्रीज कर जाती है, दूसरा अपलोडेड रिपोर्टी जो होगी जीरो पर, तो इसके एडवांटेजेस है। और विदाउट इसके जो है अपलोडेड इंक्लूसिव रिव्यू नहीं होगी, अगर आपने रिव्यू नहीं किया है देन यू कैन कैलकुलेट सच टाइप ऑफ इंक्लूसिव आपको जो कर तो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कैलकुलेशन हमने आपको इंक्लूड करना है। ये माइक्रो आलेख में लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ इंक्लूसिव इन क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, इन दिस केस द प्रेसिपिटेट इज kept in contact with mother liquor for few hours at an elevated temperatures. A small particle with larger solubility means उनकी solubility जब larger पहले ही थी तो internal part में हुए थे। Smaller particle which has larger solubility as compared to larger particle, they combine into the solution making the solution super saturated with respect to the larger particle. Now to stabilize the equilibrium, some of the smaller particle leave the solution and redeposited over the larger particle. This process is called as ghost wall writing. This year was ghost wall writing in the name se bhi kuch suna sakta hai ya digestion. The dono process ko aapko edit karna hai. Next time reprecipitations for precipitation means again precipitation ko dissolve karne aur reprecipitation karne. Ye generally ye reprecipitation process सेम प्रेसिपिटेट को दो टर्म में होता है, एक वीक प्रेसिपिटेशन एंड अदर वन वीक क्रिस्टलाइजेशन। क्या डिफरेंस है वीक प्रेसिपिटेशन एंड वीक क्रिस्टलाइजेशन? अब ये रेट प्रेसिपिटेशन है हम बता रहे हैं वीक प्रेसिपिटेशन करिए जो कि वीक क्रिस्टलाइजेशन ये है दोनों मेथड ये दूसरे से बिल्कुल अलग। वीक प्रेसिपिटेशन में क्या होगा प्रेसिपिटेट को क्रिस्टलाइज फॉर्म नहीं है, थोड़े से पार्टिकल को ध्यान करिए कुछ समय लंबे समय और उसमें क्रिस्टल का
यहाँ पे पाउडर फार्म में विक्रेता फार्म ही विक्रेता मतलब उसी प्रॉफिट को आपको रिपीट कर दीजिए और फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थोड़ी में हो जाए और वहाँ पर उस सिचुएशन में क्या हो गया विक्रेता फार्म में ये माइनर डिफरेंस है वीक स्पेसिफिकेशन एंड वीक स्पेसिफिकेशन वन या टू टाइम के क्वेश्चन आया था जिसमें भी डिटेल को स्पेसिफिकेशन पोस्ट स्पेसिफिकेशन एडजस्टन को स्पेसिफिकेशन अक्लूजन वीक स्पेसिफिकेशन वीक स्पेसिफिकेशन इस तरह के क्वेश्चन ये जो कंपलसरी क्वेश्चन होते थे पहले अब तो कंपलसरी क्वेश्चन रिमूव हो गया तो सिर्फ आपको फोर क्वेश्चन करने हैं ठीक पहले फाइव क्वेश्चन आते थे उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी हुआ करता ठीक है अगर हम कंपलसरी भी क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब दे दिया जाए क्वेश्चन कंपलसरी वरना तो कंपलसरी नहीं है ऐसे हर टाइप तो बच्चे ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनको डाउट आता है कि इसमें नंबर कट जाएंगे वो लंबे वाले क्वेश्चन को टच करते हैं। नेक्स्ट था सेपरेशन द इम्प्योरिटीज मे बी सेपरेटेड आर इट्स केमिकल नेचर इज चेंज बाई सम रिएक्शन बिफोर द प्रेसिपिटेट इज पास्ड सेपरेशन मेथड इज सेपरेशन मेथड में बहुत सारी मेथड आ है लेकिन आप इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन सी सेपरेशन मेथड यूज करते हो आइदर फिल्ट्रेशन सिंपल फिल्टर पेपर मेथड यूज करते हो या फिर क्रूसिबल से फिल्टर करते हो यही सॉल्वेंट सेक्शन को नहीं यूज करोगे क्रोमेटोग्राफी नहीं यूज करोगे तो सच टाइप ऑफ मेथड यूज करके यू कैन इजीली रिमूव दी तो दीज आर द फाइव मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू रिमूव द अक्लूडेड हैलाइड एडजॉर्प्शन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन ठीक है अब नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम होमोजीनियस सॉल्यूशन ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन में नहीं दो टर्म होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन दूसरा है होमोजीनियस मीन्स सॉल्यूशन की कंडीशन होमोजीनियस हो और कुछ थोड़े से आप किसी क्रिएटिंग ले दें या कुछ अनदर टेक्निक आप उसमें यूज कर दें और सॉल्यूशन की स्टेज में कोई चेंजेस ना हो और कुछ प्रेसिपिटेशन साथे किया ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल पीएच पे जो प्रेसिपिटेशन नहीं होते हैं उन्हें कंडीशन करने के लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं तो इस टाइप के प्रेसिपिटेशन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ होमोजीनियस सबसे बेस्ट क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया सपोज करिए दो रिएक्शन आप लगा रहे हैं आप उसका प्रेसिपिटेशन कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं लेकिन प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन नहीं होता ठीक यूरिया के हाइड्रोलिसिस आदि मीन्स वाटर में डिजॉल्व करके यूरिया को आप सोल्यूशन बनाते हैं सोल्यूशन की फेज चेंज होने वाली है बट यूरिया सकता क्या वहां पे यूरिया के हाइड्रोलिसिस होती है तो यूरिया का रिएक्शन में दिया हुआ है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया का बनता है और जब अमोनिया निकलती है तो पीएच आप जब सोल्यूशन में वहां का क्या हो जाएगा कंडीशन इंक्रीज कर जाएगा और जब पीएच कंडीशन इंक्रीज कर जाएगा ऐसे मेटल आयन है जिनको फेवरेबल कंडीशन में आती है वो एक प्रेसिपिटेशन कंडीशन चेंज हो गई कि पीएच इंक्रीज किया बिना कुछ किया कि यूरिया ने हाइड्रोलिसिस किया उसका पीएच इंक्रीज कर दिया और वहां पर जो मेटल आयन प्रेजेंट थे वहां पे उस कंडीशन में उस पीएच के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर दिया दूसरा एक और कंडीशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट डाइमिथाइल सल्फेट ये हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट यहां का रिएक्शन क्या हो रहा है डाइमिथाइल सल्फेट हाइड्रोलिसिस का क्रिएशन हो रहा है मिथनॉल का खास सल्फेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और जब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा तो पीएच क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो ये हाइड्रोलिसिस है एक आप चाहो तो पीएच को सिंपल कंप्लीकेशन का फॉर्मेशन यूज कर रहे थे नहीं हो रहा लेकिन ओनली यूज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करके उन्होंने बहुत सारे मेटल आयन को पब्लिश किया और बहुत सारे पेपर ही पब्लिश किए दूसरा है ये एग्जांपल हमने दिया डाइमिथाइल सल्फेट का इसी है यहाँ पे पीएच लो पीएच से डिस्कस कर रहा है तो ऐसे जो मेटल आयन जो एसिडिक कंडीशन में प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करते थे उनके लिए तो दो मेथड यूज करके इन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को इजीली तो ये दीज आर द कॉल है सर प्रेसिपिटेशन का होमोजीनियस इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि
during the mixture of calcium and magnesium. Remember, yesterday we said calcium and magnesium ion will oxalate iron. Then calcium oxalate will form. और जब हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया आईसीएसएल में आपने किया तो मैग्नीशियम आयन इज नॉट फॉर्म द सुपर सब्स्टिट्यूट. जब पीएच आप इंक्रीज कर दिया हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया कर दी तो ओनली कैल्शियम ऑक्सलेट में था मैग्नीशियम ऑक्सलेट. हमने क्या बताया था पोस्ट प्रेसिपिटेशन में जैसे ही कुछ समय आप उसको प्रेसिपिटेशन उधर दीजिए फिर से मैग्नीशियम ऑक्सलेट में था. बट इन दिस कंडीशन इफ यूरिया हाइड्रोलिसिस कर then no chance of precipitation of magnesium oxide. Then with the help of this method we can minimize the post precipitation. ठीक ये कंडीशन है. तो कॉपर का भी जो एग्जांपल था यूरिया हाइड्रोजन एक तो प्रेसिपिटेशन भी कर रहे हो दूसरा रिमूव द पोस्ट प्रेसिपिटेशन. यहाँ पे कोई डाउट है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम होमोजेनस रूप का. नेक्स्ट है अब हम ये जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ. दूसरा इसका पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट में क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल्स प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस हैं इसके बाद प्रिपरेशन मेथड है ये और इनके कुछ वान वेमन रिलेटेड सुपर सैचुरेशन थ्योरी है. तो इसके अंतर्गत क्या प्रिंसिपल होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का ये पार्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट दूसरा ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन. ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन का क्या रोल है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में उसे हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. और फाइव टू सिक्स ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन के एजेंट है उन्हें हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक तो सबसे नेक्स्ट है आज का टॉपिक ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन. तो ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन क्या यूज करते हैं कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन. कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के वीडियो फ्रॉम बाय द लाइक टू यू फ्रॉम लाइक टू आल्सो फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एंड अदर तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट है उनके जो मेन रोल है फॉर एडिंग द मेकिंग द सुपर सैचुरेटेड टू अचीव द सुपर सैचुरेटेड एंड आफ्टर अचीव सुपर सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है. लेकिन उसका मेन क्या होता है कि ऐसे प्रेसिपिटेशन जेल की जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन इजीली नहीं फॉर्म कर रहा तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का क्या काम होता है टू मेकिंग द सुपर सैचुरेटेड आम द मेटल कॉम्प्लेक्स. तो इजीली से कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन होता है. तो कुछ ऐसे केसेस में होते हैं कि ये जो मेटल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है सबको चलिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी आप इस्टीमेशन आपको कोई बहुत स्मॉल अमाउंट में क्वांटिटी में कोई इस्टीमेशन करना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करना है तो आप क्या करेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं थोड़ा सा भी सैंपल इधर उधर हो जाए तो एनालिसिस में कोई दिक्कत होने वाला है. लेकिन एक एडवांटेज ऑर्गेनिक रिएक्टेंट का इनके जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो ज़्यादा लार्ज होते हैं. तो अगर छोटे लिमिटेड आयन से छोटे स्मॉल अमाउंट में मेटल आयन की एनालिसिस करते हैं तो जब ये मेटल की कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यील्ड द लार्ज अमाउंट का ठीक है लार्जर अमाउंट ऑफ प्रेशर देंगे तो इनको इजीली हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन. तो बहुत ऐसे कुछ ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन को चूज किया गया है जो डिफरेंट नॉट फॉर ऑल मेटल आयन बट पर्टिकुलर मेटल आयन. वो क्या करते हैं पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर हम इनके मेथड द्वारा उन मेटल आयन को एस्टिमेट करते हैं जो कंपोजिशन है जो भी इंडस्ट्रीज ने मेटल आयन कंपनी है स्टील कंपनी है स्टील का जहाँ फार्मेशन उसमें कितने मेटल आयन है और सारे निकिल आयन कहाँ प्रेजेंट है तो उनके एस्टिमेशन हम एग्जैक्टली निकाल लेते हैं कि इतना परसेंटेज निकिल इतना परसेंट बेरियम या जो भी मेटल आयन ठीक है. तो जो ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट का जो मेन जो एग्जाम्पल है मेनी इनऑर्गेनिक आयन्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड विथ ऑर्गेनिक रिएजेंट कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट या ये नंबर ऑफ दीज रिएजेंट्स आर यूजफुल नॉट ओनली फॉर द सेपरेशन ऑफ सेपरेशन बाय प्रेसिपिटेशन बट आल्सो बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन.
ये जितने भी प्रेसिपिटेटिव एजेंट्स हैं, ये जाने कि ये प्रेसिपिटेटिव के माध्यम से ही जो है इनका एप्लीकेशन होता है, बट इन सेम टाइम्स ये जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हैं। टू सिनोइल ट्राई क्लोरो स्टाइल बना होना होगा, टू एसर्स बना जाकर के टू सिनोइल ट्राई क्लोरो स्टाइल स्टोन, जितने भी वो सीरियम वाले मेटल आयंस हैं, सोडियम वाले मेटल आयंस हैं, उनके एक्सट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या करता है, टू फिनोइल ट्राई क्लोरो स्टाइल, टू फिनोइल ट्राई क्लोरो स्टाइल स्टोन। ये जो है ये डायरी ऑर्गेनिक रिएजेंट है, ऑर्गेनिक रिएजेंट है, ये जनरली जो है यूज फॉर द सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैं रिपीट करता हूं, टू दैट फिनोइल TNINOIL फिनोइल ट्राई क्लोरो एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। ये रिएजेंट जो है यस टू डैश कैपिटल TNINOIL फिनोइल ट्राई क्लोरो एसिटाइल एसीटोन, तो अभी जो हम एग्जाम्पल देंगे ये यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ये कहाँ पे होगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसके माध्यम से हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को टेस्ट करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से। बट यहाँ पे जो हम देंगे एग्जाम्पल, तो इनका मेन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट कंबाइंड विद कैटायंस टू फॉर्म चिलेटिन, चिलेटिन जानते हैं मेटल चिलेट का जो फॉर्मेशन होता है, वो मेटल चिलेट के फॉर्मेशन को क्या होता है एसिडिटी क्या होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ और आप जनरली एल्युमिनियम एंड आयरन, आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है उसके दो डिग्री सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन दिया है, आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर OH, एक तो OH आयन है और दूसरे रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी, ठीक। अब ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्सेशन जो एसिडिक नेचर ऑफ पूरे चायन, ये पूरे चायन क्या हो रहा है, ठीक है, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड का काम करता है एंड अनपेयर के जब काम ये काम करता है जो जैसे कोऑर्डिनेट टू द अनदर बाउंड्री कोऑर्डिनेट, ये उसकी बैलेंसी को कंप्लीट करता है, ठीक है। थ्री, ये थ्री यूनिट है, दिस आर्गिन कितनी मॉलिक्यूल, एल्युमिनियम का एक मॉलिक्यूल और ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ये भी थी द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या इनसॉल्युबल। अब चूंकि एल्युमिनियम को स्मॉल अमाउंट में आपको इस्टीमेशन करना था, अब कॉम्प्लेक्स बन गया, उसका अमाउंट क्या हुआ ज्यादा अमाउंट, अब उसका कंट्रीब्यूशन आप लीजिए। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ये लिखा, मेनली यूज फॉर द ग्रुप सेपरेशन बाय कंट्रोलिंग द पीएच, एल्युमिनियम रिप्लेसेस द एसिटिक हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एट द सेम टाइम द प्रीवियसली अनचेंज्ड पेयर स्टैंड प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन इज डोनेटेड टू द एल्युमिनियम, ये बैलेंसिंग करते हैं। दूसरा है, इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, इसको मैं तो अभी दूंगा, लास्ट में फोन करूंगा। कभी कभी ऐसे होते हैं कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट एज अ मास्किंग एजेंट, मास्किंग एजेंट का नाम क्या होता है, मास्किंग एजेंट कैच कर ले, उसके साथ कॉम्प्लेक्स को फ्री कर दे, तो बाकी एजेंट मतलब एक या दो या दस आयन हो सकते हैं मोर देन इंटरफेरिंग मेडिकल, ऐसा आप एजेंट ऐड कर दे बाकी जिसके अनुसार करना उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाकी सबको क्या करें
अपने साथ अटैच करते हैं अपने, और तो ये कार्य भी यदि उनको इलेक्शन करना हो तो कभी कभी ये होता है कि मास्किंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, जैसे प्रिंटिंग एजेंट ऐसा है मास्किंग एजेंट। Sometimes this type of facilitating agents arm the complexity of making metal iron, but some facilitating agents are specific for only particular metal. कुछ ऐसे हैं कि एक ही मेटल का आयरन आपका बनाना है, दूसरे का नहीं बनाना, क्योंकि कोई ऐसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल, इसके बाद वन बाई वन एग्जाम्पल आएंगे, DMG डाई मिथाइल क्लाइआर पूरे फेमस है, डाई मिथाइल क्लाइआर भी लेकिन ये कभी नहीं आपको बताया जाता है कि ये DMG जो होता है और मेटल आयन को इसमें कर सकता है, ज्यादा बेहतर किस्मत है निकल जाएगी। लेकिन हमने बताया था कि ये अगर आप कंडीशन को चेंज कर दो तो बिस्मत को भी प्रिसिड कर सकते हैं, पैलेडियम को भी प्रिसिड कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करना, आप एक्सचेंजर कंडीशन करते हो तो वहां पे परसेंटेज इधर आता है, तो जितना एग्जैक्ट परसेंटेज इधर नीति के साथ आता है, परसेंटेज इधर नीति में बिल्कुल कम आता है, इसलिए वो स्पेसिफिक पार्ट निकला है। ये बोलते हैं ना जिस एजेंट की स्पेसिफिक पार्ट वो निकला। लेकिन हम और मेटल आयन कर बहुत सारे ऐसे हैं जो एक मेटल आयन के साथ या फिर बहुत सारे मेटल आयन के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आए कि व्हाट इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एजेंट, ऑर्गेनिक फेसिफिकेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों हम इसे चूज करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है। तो ये दो टॉपिक हम आज स्पेंड करेंगे कि क्यों इनके जो डिसएडवांटेज हैं और क्या इनकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है। तो नंबर वन है, मेनी ऑफ दिस चिलेट कंपाउंड्स आर वेरी इनसॉल्युबल इन वाटर सो दैट द मेटल आयंस मे बी क्वांटिटेटिवली प्रेजेंट। जितने भी इनके साथ मेटल कॉम्प्लेक्सेशन होता है वो क्या करते हैं, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इससे क्रोमेटिक एनर्जी सामग्री एमिट करते हैं। दूसरा इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, द ऑर्गेनिक फेसिफिकेंट ऑफर है लार्जर मॉलिक्यूलर वेट, कितना बड़ा कंपाउंड है ऑफर मॉलिक्यूलर दस के स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल आयन में भी इन द लार्ज अमाउंट ऑफ, तो आपको परेशानी हो जाएगी हैंडल करने में। थर्ड इसका एडवांटेज है, सम ऑफ द ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आर फेयरली स्टेबल यील्डिंग प्रेसिपिटेट विथ ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैटायन्स, मैंने बताया था कुछ ऐसे ही कैटायन के कभी कभी एक ही चीज होती है, देयर सिलेक्टिविटी कैन बी इजीली एनहांस बाय यूजिंग दी कंक्लूडिंग द पीएच, जैसा बताया अभी पीएच को वेरी करिए लोड हो जाएगी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द मास करके हम इनकी को ध्यान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड विद ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आर ऑफन कोर्स एंड बल्की, मींस बहुत रफली नहीं होते, बहुत रफली टाइप होते हैं कि आप इनको इजीली हैंडल कर लीजिए, इन्हें भी प्रोटीन टाइप होते हैंडल करने पाओगे तो एंड हैज इजीली हैंडल, बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। और दूसरा होता है, इन सम केसेस ये मेटल कैन बी प्रेसिपिटेटेड With an organic agent, the precipitate collected at the jar and organic molecules titrated for this direct volumetric acid. ये कहता है कि precipitation तो हम कर ही रहे हैं, estimation के द्वारा भी analysis कर रहे हैं, लेकिन with help of volumetric analysis, we can also determine the amount of organic iron विद हेल्प ऑफ टाइटेशन मेथड। होता क्या है, टाइटेशन मेथड में भिम्बली सर थे जब हमारे के सीनियर टीचर रिटायर्ड हो गए, वो आप लोगों को इसी का दूसरा पार्ट पढ़ाते थे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सर वो ऑक्सीजन का कुछ एप्लीकेशन ही करने का, तो उसमें क्या वो होता था जब हम मिट्टी के साथ अब
और फिर सार्वजनिक आयन का जब नॉट बाउंस हो गया तो जो बचा वो तो ये और ये जो लास्ट पॉइंट हमने दिया ये लेबोरेटरी में इसके बहुत सारे करते हैं और ऑर्गेनिक कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं उन्हें भी हम बता दें। डिसएडवांटेज वाली स्लाइड है नहीं यहाँ पे, मैं ओपन करता हूँ डिसएडवांटेज। ये हो गया तो नेक्स्ट था डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक। अभी हमने एडवांटेज कुछ इसके स्मॉलर डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर वन द वेरी लिमिटेड एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट देमसेल्व्स इज ऑफन ट्रबलसम। इट इज जनरली नेसेसरी टू ऐड एट लीस्ट स्लाइट एक्सेज ऑफ रेसिपिएंट एंड द एक्सेज रिएजेंट कंटामिनेंट कभी कभी क्या होता है कि जब एकदम टाइम्स ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट रिक्वायर्ड इन एक्सेज एंड क्योंकि जो रेशियो होता है रेशियो में वो कंप्लीटली ग्लास नहीं होता है। इनकम टाइम्स हम एक्सेज रिएजेंट को ऐड करते हैं टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट बट इनकम टाइम जो एक्सेज रिएजेंट आपने ऐड किया क्या किया कंटामिनेट कर अलग से क्या हुआ ऐड हो गया अलग से ऐड हो गया वो कंटामिनेट कर प्रेसिपिटेट तो वो उसमें आ जाता है। तो इसलिए एक लिमिटेशन जब हम प्रेसिपिटेशन या कोई रिएक्शन रेशियो दूसरा जो स्पेसिफिक पॉइंट है इसके अगर आप मार्क कर लीजिए पॉइंट ये पन्ने का कुल मार्क यदि जो मेरे बारे में मुझे याद है मैं काफी देखते ही पर कोई लाइन खोलता हूँ जो स्पेसिफिक पॉइंट है वही पता चलता है पूरा नहीं पढ़ता हूँ स्पेसिफिक पॉइंट है नंबर दो। दूसरा पॉइंट मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट डू नॉट हैव वुड वेइंग पार्ट
largely because of uncertainty in the buying process, so weighing on can be changed. कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमने बताया कि वो कि अगर वो कम्प्लीटली वेइंग फार्म नहीं है तो हमें अपनी वेइंग क्लासेस को थोड़ा चेंज करना पड़ता है दूसरे लिमिट। और थर्ड एक माइनर डिसएडवांटेजेस है इसका कि फैक्ट दैट द प्रेसिपिटेट आर नॉट इजीली वेट बाय वाटर्स हेंस टेंड टू फ्लोट ऑन द सॉल्यूशन। वो सारे केसेस में देखते हो कि बीकर के सरफेस पे वो सारे केसेस आया है कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो गया तो बीकर में प्रेसिपिटेट नीचे ही बैठा है लेकिन कुछ क्या होते हैं सरफेस पे तैरते रहते हैं फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्रीप अप द साइड ऑफ द ग्लास वेसल्स। The trouble can be alleviated by addition of small amount of weighting agent to the solution before the filtration. I say filtration करने के लिए हम ये भी disadvantages हैं। Advantages five to या disadvantages भी हैं। एक ऐसी disadvantage भी है तो सरफेस पे तैरते रहते हैं जल्दी सॉल्यूशन में क्या होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोटिव प्रोडक्ट बनने के लिए हमें कैल्शियम क्लोराइड या अदर वेटिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है तो ये थर्ड इंप्रेशन उसे दिए तो थ्री स्टेज है वैसे का एग्जाम्पल होगा उसी का एग्जाम्पल होगा प्रोसिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा कि वो तो ड्यूरिंग प्रोसिफिकेशन ही हो रहा है वो बोल सकते हैं एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ तो ये आज मैंने ये नेक्स्ट टाइम से हम स्पेंड करेंगे ये डाई मिथाइल ग्लाई आर्जिन आज स्लाइड में दिख रहा है तो ये सिस्टम आज तक जो प्राप्त हो रहा है आता है दूसरा सिस्टम इस साल तो मेरे टोटल से एटलीस्ट टू सिस्टम अब जो बच्चे हम अटेंडेंस भेज दें सबसे और जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन से सर प्रीवियस क्लास का सर स्लाइड पीडीएफ सर सेंड कर दीजिएगा ना टाइम सर हाँ ठीक है प्रीवियस क्लास सेंड कर देंगे और आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है तो सर आगे पहले आप अब ये हमें पता तो एक चार्ट और मिले एक बात तो आज नेक्स्ट क्लास जो होगी मिड सेमेस्टर का नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास आ सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्लास हमने लेंगे एक क्लास और लेंगे क्योंकि मुझे लगता है एक ही क्लास मुझे मिलेगी तो सर एक मतलब उसके बाद एक हफ्ता तो एग्जामिनेशन ही होगा ठीक है नहीं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट नहीं होगा उसके नेक्स्ट वाले में जहाँ तक तो सर एक पहले टेस्ट कंप्लीट हो जाना है एक ही या दो क्लास मिलेगी मुझे
अच्छा इस बार तो टेस्ट हो रहा है, इसके पहले तो असाइनमेंट पर नंबर मिल गया था, एक दो बार तो असाइनमेंट पर नंबर मिला, बहुत लोगों की कंप्लेन आई, इसमें फायदा हो गया सभी बच्चों का, जो ऐसे बच्चे थे उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ। सर डाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन वाला पीडीएफ सर सेंड कर दीजिएगा आज। ठीक अभी थैंक यू सर, अभी अभी फोन करिए, अभी फोन, थैंक यू सर। बात पेट्रोल क्लास है तो आप जाइए, ये मैं जल्दी सुनूंगा।